जिसको कोई वापस नहीं दे सकता है वैसा एक व्यक्ति का अगर आपने सेवा नहीं किया है आपने जिया नहीं आज का दिन करना चाहिए कुछ ना कुछ करना चाहिए पैसा कपड़ा एक चप्पल उनका बच्चों को पढ़ा पढ़ने के लिए मदद कम से कम एक टेलीफोन पर एक अच्छी बात बोलो कैसे आप मैं आपके लिए प्रार्थना करूं आप सुखी रहें आशीष पाए कुछ न कुछ प्रोत्साहन का शब्द कहें का कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को बोले जो आपको वापस नहीं दे सकते है क्योंकि मैंने, मैंने कहीं मैं कही सफर सफर कर रहा था आज का विषय जो पिछले बार बोला है उसका आगे थोड़ा आगे जाएंगे ईश्वरी देखेगा तो क्या होगा पढ़ेंगे हम मरकस का सुसमाचार ग्यारहवा अध्याय उसका 11 में लिखा है यीशु मसीह यरूशलेम से बेथानी में गया है यानी का वक्त 12वां भाग 12वां भाग दूसरे दिन जब वे बेथानी से निकले तो उसके भूख लगी बहुत पदमन को पढ़ना वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देख करके निकट गया कि क्या क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था यीशु मसीह दूर से देखा और नष्ट किया गया है उसने देखा है यीशु मसीह देखेगा तो क्या होगा कुछ ना कुछ काम होगा उसने इतने देखा है क्या है इधर बहुत पत्ते हैं यार मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने अंजीर का पेड़ देखा है कुछ पेड़ ऐसे ही होता है सर्दी का मौसम में इसका पत्ता सब गिर जाएगा मैं केरला में, में मेरा जन्म हुआ मेरा बड़ोती भी वहां हुआ है और उधर रबर का पेड़ है वो भी अंजर का पेड़ का जीसा है सर्दी का मौसम इसका पत्ता सब गिर जाएगा दो तीन महीना के लिए एक भी पत्ता नहीं होगा मैंने कभी कभी जाकर तोड़ कर देखा है ये इसमें जान है कि नहीं जब मैं कश्मीर में सेवकाई करता था पांच साल उधर भी अंजर का पेड़ था कभी कभी मैंने भी जाकर के देखा ये मरा हुआ है या जिंदा है जिंदा है लेकिन जैसा सर्दी खत्म हो जाता है और गर्मी आ जाता है स्प्रिंग मौसम आ जाता है उसी वक्त एक हफ्ते के अंदर उसमें कोमल पत्ता आएंगे अगले एक हफ्ते के अंदर हरा भरा पत्ता से भर जाएंगे इधर लिखा है ईश्म सिंह जब गया था उस वक्त फल का समय नहीं था अरे फल का समय नहीं है तो उसका चौदह पद ईश्मी ने उनसे बोला है आगे से लेकर के तुमसे कोई फल ना खाए बीसवासवा सवेरे वो जाने का वकत उसने देखा है कि चेलो ने देखा है उसका जड़ से लेकर के ऊपर को सूख गया है मत्ती का सुसमाचार इक्कीस का उन्नीस में लिखा है उसी वक्त सूख गया था जड़ से लेकर के सूख गया था इधर लिखा है सवेरे देखा है मत्ती का सुसमाचार क्या है यार एक गलत लिखा है बाइबल में क्या गलती है नहीं 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 सूखा है जड़ से दूसरा दिन उसका पत्ते सब सूख गए थे ईश्वर सिंह बोलने का वक्त ईश्वर सिंह का बोलने में ताकत है सुनिए जिसका दिल के अंदर ईश्वर सिंह है उसका भी बोली में ताकत है फर्स्ट लोग लिख लो प्रचार कर सकते हैं आपको मालूम है लेकिन मैं तरतीब बार बताता हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ बात सिखा रहा है कि जो आपको नहीं मालूम है लेकिन आ, मैं बार लिखता you know it very well. आपके अंदर आगे है, है। है। आपका शब्द को ताकत इसलिए देना है। श्राप नहीं देना इस समस्या ने श्राप दिया उसी वक्त तो गया, उसी वक्त उसका तो जड़ सो गया और ऊपर को सूखना शुरू किया और दूसरा दिन आने को वक्त देखा कि ऊपर तक सूख गया था आप आशीष देना है श्राप नहीं देना है सुने पढ़ेंगे हम एक पद पत्रस का पहला पत्रस तीन का नौ दूसरा भाग क्योंकि तुम आशीष को बारिश होने के लिए बुलाया गया हो पढ़े इसलिए इसलिए शुरू से पढ़ना है बुराई का बदले बुराई मत करो और ना गाली का बदले गाली दो पर इसका विपरीत आशीष ही दो क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो आपको आशीष का बारिश होने के लिए बुलाया है आपने कभी कोको कोला का बोतल उठाया है आप जितना भी हिलाओ उसमें से जहर नहीं आएंगे उसमें से नींबू पानी नहीं आएगा आप आशीष से भरा हुआ है तो आप आशीष का शब्द बोलना है इसलिए आपने आशीष देना है आपका घर को आशीष देना है आपका मम्मी को आशीष देना है आपका ससुर को आशीष देना है आपका जिठानी को आश्रित देना है आपका पड़ोसी को आश्रित देना है जो आपको गाली देता है उनको भी आश्रित देना है अरे फल नहीं था फिर से क्यों मुझको श्राप दिया फल का मौसम है नहीं मैंने देखा है जैसा उसमें कोमल पत्ता आ जाता है उसमें कुछ बेकार फल भी आ जाता है अच्छा नहीं खा सकता है लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं है हम क्रिश्चियन है तो मसीह को पाया है तो हमारे अंदर हमेशा फल होना चाहिए मौसम भर भी और बेमौसम में भी हमारे अंदर फल होना चाहिए चर्च में भी फल होना चाहिए घर में भी फल होना चाहिए बाजार में भी फल होना चाहिए हर एक जगह पर हमारे अंदर फल होना चाहिए हरे लुह बेफल हम कभी भी नहीं रहना है ईश्व मसीह ने इसलिए गया था जो अंजीर का पेड़ है वो यहूदियों को दर्शाता है इस का समय पर यहूदी लोग बड़े घमंडी लोग थे और बड़े गुस्से वाले थे और जल्दी मारते थे सुनिए उनके अंदर फल नहीं था सिर्फ पत्तों से भरा हुआ है कोई अच्छा काम करने का दया का काम करने का दूसरा का मदद करने का जो साथ लोग है उनका भी मदद करने का उनके अंदर नहीं था पिताजी को, मम्मी को भी बोलता था मम्मी बोलता था अरे जो उधर रखा है ना वो लड्डू मुझे दे दो नहीं ये परमेश्वर को देने का है देने का नहीं लेकिन वो मम्मी को नहीं देना चाहते है इसलिए पिताजी को नहीं देना चाहते इसलिए ससुर को नहीं देना चाहते है, इसलिए हाल जिन्हें हमारे अंदर फल होना चाहिए सिर्फ बोली में नहीं मैं कहीं भी जाता हूँ मैं देखता हूँ मैं किसी का मदद कर सकते हैं कुछ दिन पहले मैं एक रेलवे प्लेटफॉर्म में था उधर से प्लाट नीचे से पौड़ी चढ़ करके ऊपर को जाना है मैंने देखा है कि एक एंटी मेरे से उम्र कम का काम है लेकिन वो कमजोर है और एक एक पौड़ी पर अपना बैग रखता था फिर दूसरा पौड़ी में मैंने जाकर उठाया उसने मेरे को देखा बोला आप क्यों उठा रहे हैं मैंने बोला मैं करना चाहता कौन सा ट्रेन में जा रहा है वो मेरा ट्रेन में नहीं था दूसरा ट्रेन में था कौन सा बोगी है मैंने उसका बोगी का सामने ला करके खड़ा कर दिया रख दिया सामान मैंने बोला अभी मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ट्रेन भी आ रहा है एक टाइम एक बार नहीं हमेशा मैं कोशिश करता हूं किसी को दया दिखा दे ये मेरा लाइफ स्टाइल हो गया है मेरा जीवन शैली दिखावा नहीं है ये गलत नहीं सोचना मैं उनका अटैच नहीं लिया उनको नहीं बो... वो कृष्ण भी नहीं था कोई भी हो हम फल देने वाला होना चाहिए <laughs> Uh, मध्य प्रदेश में जगह नहीं बोलूंगा आप में से कुछ लोग गुस्सा करेंगे एक बार एक पास्टर्स सेमिनार हो रहा था एक संस्था का बड़ा सभा उस वक्त पास्टर साहब ने पूछा सीनियर पास्टर साहब ने पूछा ऐसा कौन व्यक्ति है जो शादी करने के बाद उधार पाने के बाद पत्नी को नहीं मारा है हाथ खड़ा करें एक ही व्यक्ति था वो व्यक्ति को मैं जानता हूं क्या आपने मारा है पिछला साल में आपने मारा है इस साल में मारा है सुनिए मसीह आपको और मुझे देखते है। देखते हैं दूर से देख करके अरे आलिया बोलता है बाइबल लेकर चलता है बोलता है भाई का चेला है देखता हूं फल देखने के लिए हम आशीष से क्यों नष्ट जाते हैं आशीष देने के लिए सिर्फ वो नहीं चंगाई देने के लिए सिर्फ वो नहीं हमारा घर बड़ा करने के लिए सिर्फ वो नहीं हमारा बेटी का शादी कराने के लिए सिर्फ वो नहीं हमारा बेटा को नौकरी दिलाने के सिर्फ वो नहीं देखने के लिए आते हैं कि हमारे अंदर फल है कि नहीं काफी पत्नी लोग मेरे, पति लोग मेरे से बोलते हैं मेरे पत्नी शांति पूर्वक रहने नहीं देते काफी पत्नी लोग मेरे से बोलता है ये मुझे गाली देता है मेरे माँ को गाली देते हैं खरे फिर हलिया बोलने का क्या मतलब है हमारे अंदर फल होना चाहिए ईश्मसी आया है एक दो फल कम से कम मिलेंगे अरे सारे फल होना असंभव है लेकिन कम से कम एक दो फल हमें देखना चाहिए ईश्वर सिश् मुसी को हमारा पैसा नहीं चाहिए पैसा सेवक लोगों को चाहिए चर्च चर्च को संभालने के लिए प्रचार करने के लिए वो होना चाहिए लेकिन क्या चाहता है पढ़ेंगे हम अति का सुसमाचार पच्चीस का चालीस मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे मेरे ही साथ किया जो का छोटो में से छोटों को किया है एक बार मैं एक बड़ा कन्व चला रहा था और खड़ा होकर के जो उसका प्रबंधक था उसने खड़ा होकर के पूछा है जो मेहमान लोग आते हैं कौन कौन उनको अपना घर में रखेंगे एक आदमी ने बोला जो आ रहा है ना बड़ा प्रचारक उनका बड़ा भी है दूसरा बोला पी जी को हम रखेंगे तीसरा ने और किसी का नाम दिया है लेकिन उसमें से एक आदमी मैं जानता हूं इतना नजदीक नहीं जानता हूं प्रभु का पास पहुंच गया वो उसने बोला है जो गरीब से गरीब लो, लोग दस लोगों को मुझे दे जो गरीब से आते हैं बड़ा प, है।, कोई आया है उसका कुर, कुर्सी बड़े बड़े कुर्सी है बिस्तर बड़े बड़े है हमारे भाई लोग उनका कुर्सी में नहीं बैठा नीचे बैठा उनको डरा गया इस कुर्सी में कैसा बैठेगा लाटिन में नहीं गया भैया बोला ये कैसा गंदा करेगा हालेलुया हम भी छोटे लोग मैं नहीं बोलता हूँ बड़े लोगों को ना करें लेकिन छोटे लोगों को छोटा नहीं समझना छोटा नहीं समझना हमारे साथ एक भाई है डेविड लाइन में होगा शायद उनका बेटी है मैंने देखा उसका नाम उसका पत्नी भी है डेविड वॉकमोर एक छोटा जाद नहीं बोल रहा हूं छोटा जाद का है उसको स्कूल में जाने के वक़्त मड़का से पानी पीने का इजाजत नहीं था लेकिन एक दिन में उसका गांव में ग्रहण किया ग्रेजुएट किया इसके बाद हमारे साथ सेवक बन करके आया और एक दिन हमारे घर में आया, वो जूनियर गया। मीटिंग में जाए ने जा करके बोला ढेर भाग मारे अंदर आओ नहीं मैं बाहर ही रहूंगा क्योंकि उसका वो पुराना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर था लीली ने बोला नहीं अंदर आओ अंकल खाना खा रहे हैं अंकल के साथ बैठो वो डर गया अंदर आने के वक्त लिल्ली उसको सीने से सी लगाया वो आकर के बैठ कर रोया डेविड होगा लाइन में उसका पत्नी को पूछना डेविड रोया बोला आपने हमको इंसान बनाया क्या आपने हमको घरवाला बनाया सुनिए हाँ। बड़े लोगों को आश्रित देना है कुछ मदद करना है छोटे लोगों को भी मदद करना हम सबका मदद नहीं कर सकते सबको कमीश लेकर नहीं दे सकते हैं सबका बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं लेकिन एक को कर सकता है एक का कर पैंताली शायद पढ़ोगे लीलीसी ने बोला है तो वो उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी को किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया जो मेरे छोटे से किया है मेरे लिए किया है अगर छोटे से नहीं किया है मेरे से नहीं किया सबका नहीं कर सकता है हालेलुया हम 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 फल देने वाला पेट बनना है ताली बजाना काफी नहीं है बजाओ मैं ताली बजाता हूँ वचन प्रचार करना है मैं प्रजा प्रचार करता हूं अन्य भाषा बोलना है ये काफी नहीं है मैं अन्य भाषा बोलता हूं लेकिन फल भी होना चाहिए नाचा प्रचार किया अन्य भाषा बोला लेकिन फल नहीं है तो क्या फायदा है ये समस्या ने देखा इनमें फल नहीं था आपको मुझे देखने का वक्त क्या ई समस्या फल देखेगा दूसरा ईश्वर ने देखा है ऐसा लोगों को देखा है जो वचन सुनने के लिए भूखा हो पढ़ेंगे मत्ती का सोचा चार का पच्चीस दूसरा भाग गैलिल और डेकोपोलिस यरुशलेम यहूदिया और यर्दन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली भीड़ का भीड़ उसका पीछे हो रहा था क्यों वचन सुनने के लिए पांच का एक पढ़ाई वह इस भीड़ को दे करके पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए उसने देखा क्या है वचन सुनने के चंगाई के लिए नहीं आए थे चंगाई होता है यीशु भी होता है चंगाई होता है जो जिसको वो छूता है और जो उनको छू रहा है चंगा हो जाता है लेकिन जब वचन सुनने के लिए आया जम लंबा सा प्रचार किया मत पांच छह सात लंबा सा प्रचार किया है इस आज भी देखता है जो वजन सुनने के लिए होगा हो सुनो सवाल पूछो देखो मैं फुल टाइम काम करने वाला प्रभु का सेवा करने वाला है है मेरे पास बहुत टाइम आप लोग नौकरी करने वाले होंगे आपके पास इतना टाइम नहीं होंगे घर का महिला होंगे आपके पास भी मेरे पास जितना समय है उतना समय नहीं होगा लेकिन समय का बीच में भी हम समय बना करके प्रचार सुन सकता है वचन सुन सकता है मैं सवेरे चलने के लिए गया एक संदेश दूसरा बार सुना है पहले सुना था पिछले हफ्ता लेकिन आज मैंने दोबारा सुना और मैंने फैसला किया वापस आके एक बार और सुनेंगे तीन बार सुना वो संदेश मिनट का एक संदेश सुना मैंने तीन मिनट का एक संदेश सुना मैंने मैं आपसे भी बिंदी करता हूं वचन सुनने के लिए एक है तो से आपको देखता है प्रेरणों का काम बीस में लिखा है निपटना नहीं पत्र आधी रात तक प्रचार किया है। अरे इधर तो डेढ़ घंटा होने के तो बाद में।, में, में जब कन्वेंशन होता था दो संदेश होता था पहले संडे सर्विस में भी रविवार का हर यात्रा में भी दो संदेश होता था आजकल एक में हम कम करना पड़ा है क्योंकि लोग सब इसी है लेकिन फिर भी आपको अब नहाने के वक्त देख संदेश, संदेश सुन सकता है टेलीफोन पर बाना बनाने के वक्त देखे संदेश सुन सकता है छोटा सा संदेश बड़ा सा संदेश सुनो तो सही हमको मालूम हम संदेश भेजता है आपको मिलता है कि नहीं हिंदी में भेजता है हम सुना करें हाल लुया फॉलोस लंबा सा प्रचार करने के कारण एक आदमी ऊपर खिड़की में बैठा था वो उधर से जगह नहीं था नीचे और वो नीचे गिर गया सो गया नीचे गिर गया और वो भेव गया मर गया है पौल ने जाकर के उसके लिए प्रार्थना किया और चंगा हो गया टाइम लगा है एक बज गया होगा इसके बाद होली कम्युनियन प्रभु भोज हुआ है सवेरे तक हुआ है सवेरे तक क्या छुटकला बोल रहा था नहीं पचास वचन सुनने का भूखा था हाले लुया प्रेदों का काम सत्रह का दस में लिखा है सुनिए सत्रह का दस सेवनटीन टेन भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलस और सिलास की विरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों का आराधना आराधनालय में गए पद ये लोग तो के, के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहा कि ये का लोगों से इन लोग अच्छे थे क्यों ज्यादा पैसा देते थे हाथ उड़ा के ऐसा लेकिन वो प्रतिदिन का वचन सीखता था थोड़ा समय खर्च वचन जब कोई प्रचार करता है लिख के ले लो मेरा साथ का लीडर से पूछो कोई भी प्रचार करे हमारे जूनियर लीडर होगा हमारे छोटा सा नया आया हुआ और बाइबल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ प्रचार कर रहा होगा मैं लिखा ले रहा था लिख के ले लो आपके पास आपका पास खुला बाइबल होना चाहिए आपके पास नोटबुक होना चाहिए आपका पास पेन होना चाहिए ऐसा नोटबुक रखें ताकि आपका किताब नोटबुक खुला रहेगा और देखा है कि उनका विश्वास को देखा है मतलब बरकस का सु दो का एक से लेकर के पांच तक और ग्यारह और बारह लिखा आपने मार्क टू वन टू फाइव एंड वर्सेस इलेवन एंड टी वहां है ये सुनकर के लोग इकट्ठा हो गया आता होने से लोग नहीं आता है ईश्व से वहां होने से आता है काफी जगह पर चर्च में कितना लोग हैं हिंदी स लोग हैं आखिरी बा, बार बपतिस्मा कब हुआ था पंद्रह साल पहले हुआ था इसका बात नहीं हुआ है। लोग बड़ा शकत दिल का है आता नहीं है। कुछ लोग लो, चार्ज लेने वक्त होगा, लो। अभी कितना है तीन अरे का ही छोड़ करके अगर बुजुर्ग हो गया है का ही और किसी को हैंड ओवर कर लो वो भी नहीं देता हम ही रहेगा सुनिए हमारा कुछ पास लोग थे वो मरने का वक्त कलेसिया है नहीं वो कलेसिया आईपीसी में ज्वाइन हो गया हमें कोई त्रास नहीं असेंबली सो गोड में ज्वाइन हो गया हमें कोई त्रास लेकिन है ही नहीं है नाम नहीं बताता हूं अब नाराज हो जाएंगे नाम नहीं बताता हूं। पापा मर गया पास्टर जी मर गया लेकिन कलेशिया है नहीं आपका कलेशिया का गिनती कम होने से पाले पाले को दे लो। है तो लोग आएगा चंगाई है तो आएगा सुनिए 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 चंगाई नहीं है तो भी है तो आएगा उदाहरण के लिए फ्त सिंह जब मैं उधर गया था उनका कलेशिया में पांच हजार लोग थे उन्नीस सौ बहत्तर में अक्टूबर में नवंबर महीना में बहत्तर लोग अक्टूबर महीना पांच हजार लोग थे पांच हजार लोग वो चमत्कार पर विश्वास नहीं करते थे अन्य भाषा नहीं बोलते थे लेकिन पांच हजार लोग क्यों आया है अभी आपको मालूम हैदराबाद में एक, एक आदमी काम किया सतीश कुमार डॉक्टर सतीश कुमार उसका कलेश में तीन लाख लोग हो गया पच्चीस साल के अंदर अंदर हम क्यों पचास पा, पा, लोगों को लेकर के बैठते हैं हम क्यों हम सौ लोगों को लेकर बैठते हैं क्यों हमारे कलेशिया में पांच सौ लोग नहीं है हा ले लोही ईस्सीहत तो लोग आएंगे ईस्मसी आने के लिए क्या करना पत्नी को मारने के बाद ईस्ट मसीह में आराधना करने के लिए जा रहे हूं आना मसीह नहीं आएगा टेलीफोन के अंदर गड़बड़ का सारे प्रोग्राम देखने के बाद <laughs> मसीह आज आराधना में आप उपस्थित होना चाहिए क्योंकि बाइबल में लिखा है दो या तीन इकट्ठा होने का वक्त तो यहाँ होगा उसका नीचे भी पढ़ कर देखना नीचे क्या लिखा है तीन लोग इकट्ठा होने से नहीं आता है नीचे जो लिखा है वो भी पूरा करें हालेलुया हालेलुया हर एक जगह पर लेकिन स्थापित होना है तो चमत्कार होना चाहिए कई भी हो दुनिया में कई भी हो, चमत्कार से कलेष स्थापित होता है इधर चार उन्हें लिखा है मरकस का दो का एक से लेकर पांच तक चार लोगों ने एक वाला पद से पद कई दिन के बाद वह फिर कफर में आया और सुना गया कि वह घर में है फिर इतने लोग इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक लकवे के एक लखवा ले... का बीमार को लेकर के आया हाले लिया चार लोग के आया अंदर नहीं निकली जगह नहीं है इसलिए वो छत के ऊपर चढ़ गया और जो उधर इदर... वो उधर उधर जो ईंट लगा ईंड नहीं स्लेट लगा हुआ था वो हटा दिया मराठी महरा, में बोलते हैं पत्थर वो हटा दिया और उसको नीचे उतार दिया लोगों ने इतना लोग क्या कर रहा है थोड़ गिर रहा है बंद करो सब ने बोला होगा बंद करने के लिए लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया वो चार चारों लोगों ने वो चारपाई के साथ उसको नीचे ईश्मी के सामने उतारा अगर आप ईश्वनसी के सामने आ गया है आपको खुशी का संदेश मिलेगा आप अनुभव करेगा ईश्वर से सामने रखा ईश्वर से उनका विश्वास देखा किन का उनका और इनका काफी लोग सोचता है जो पात्रता प्रचार करने से चंगा ही होगा आपको विश्वास नहीं है तो नहीं होगा इसलिए आपने भी विश्वास करना है पांचों लोगों का विश्वास दे करके उसको बोला है तुम्हारे पाप को क्षमा हो गया है बाकी लोग होने वाले पाप का क्षमा कौन कर सकता है फरिश्ता नहीं कर सकता है योहिघनस वाला उन लोग से बोलता है ईश्मसी एक फरिश्ता था सुनिए हाले स्वर्गदूत था हाल ईश्मी स्वर्गदूत नहीं था स्वर्गदूत को पाप क्षमा करने के लिए अधिकार नहीं है ईश्वसी कौन है वो परमेश्वर है पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर तीन एक एक के अंदर तीन नहीं पुराने जमाने में सिखाता था सूरज का जैसा है सूरज उधरी है उसमें गर्मी है उधर रोशनी है तीन ये तीनों एक कुछ लोग बोलते हैं अंडा का जैसा है अरे परमेश्वर क्या अंडा का जैसा है कौन बोला अंडा का जैसा है सुनिए तीन व्यक्ति है तीन व्यक्ति है जैसा तीन हो एक साथ चलते हैं वैसे एक साथ चलते हैं तीन व्यक्ति अलग अलग होती पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसने देखा ये कौन है कौन ये नहीं बोलना पी जी वर्ग से एक लड़की को पकड़ा था उम्र मेरे से बहुत कम है लेकिन वो मेरा पत्नी है हमारा बीच में काफी काफी साल का फर्क है ओके छोड़ दो छुड़कला का समय नहीं है हाल है और यीशु मसीह ने बोला चलो उठो उठ करके जाओ बिस्तरा भी उठा के जाओ क्यों बिस्तरा उठा के जाना नहीं तो और कोई लड़ जाएंगे आप शराब छोड़ता है तो वो शराब और किसी को नहीं देना आपका घर में कुछ मैंने कटरा में जब उठार पाया और वो कटरा में आया मेरे पास कुछ किताब था पांच छह दस होगा शायद जॉब सुबह लाइन में होगा और राजस्थान में सेवाई करते हैं वो हमारे साथ था और मैंने बोला जॉब एक किताब सब लेकर के आगे जलाओ साहब वो ई सुन से कबर मैंने बोला इसमें गलत लिखा है इसमें लिखा हुआ कि चमत्कार नहीं है इसमें लिखा हुआ की अन्य भाषा नहीं है मैंने आग जलाया और किसी को नहीं दिया बिस्तर और किसी को नहीं छोड़ना है और कोई लड़ जाएंगे और, और बोला ये चार पाई भी उठा के जाए वो बाहर गया कैसा गया है अरे अंदर जाने के लिए जगह नहीं है तो बिस्तर उठा करके एक पद में बाहर आएंगे जहां रिश्ता नहीं है पर भी यीश मसी रिश्ता बनाता है जहां रिश्ता नहीं है वहां रिश्ता बनाते है जहां रास्ता नहीं है उधर भी रास्ता भी बना देते हैं हाल लुयासी जो उसका सामने आया उसको देखा है जो ऊपर बैठ करके विश्वास से काम किया उनको देखा है हाले लुहिया इसलिए समस्या वाला का समस्या दूर हो गया है और लिख हुआ चला है और बिस्तर उठा करके चला है यीशु मसीह ने देखने के बाद चमत्कार हुआ है चार बात उसने जो ऑफरिंग दिया है क्या बोलते हैं हिंदी में ऑफरिंग दिया है ईश्वसी ने उसको देखा है जो चंदा दिया है उसको देखा है लुकल का सुचार इक्कीस का पहला और दूसरा पद फिर तो उसने आंख उठा करके धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा कहीं लोगों ने पैसा डालता था आंगुटी भी उठा करके दिया होगा नोट का बंडल उठा के दिया होगा माला तोड़ करके दिया होगा ईश्वश ने देखा है क्या देखा है जो दिया देखा और जो दिया नहीं है वो भी देखा है जो बेच या वो भी देखा है जो खर्चा किया वो भी देखा है काफी हाँ, लोग चर्च में आ करके एक चाय का पैसा भी चंदा नहीं डालते हैं, पांच रुपया चाय का कितना है दस रुपया में जाएगा तो पंद्रह रुपया बीस रुपया खाना खाए तो कितना रुपया मैं भाषण से बात बात करता हूं चंदा डालते हैं, हाँ आपका है इसलिए आप डालते हैं। देशों हमसे बराबर देते हैं काफी लोग अपना कले आपको मालूम है अभी एक शादी हो रहा है अंबानी का घर में सात सौ करोड़ रुपया है उसका खर्च सात सौ रुपया ठीक है उसने पचास गरीबों का शादी कराया फिर भी क्या हुआ कितना रुपया खर्च हुआ एक करोड़ भी नहीं हुआ मैं आपसे सवाल पूछने के लिए चाहता हूं आपका घर में शादी में कितना रुपया खर्चा होता है मान्य रीति में करना है मैं समझता हूं लेकिन काफी लोग भाषण लोग विश्वासी लोग काफी लोग कर्जा दे करके खर्चा करते हैं। क्या? कर्जा नहीं लेना चाहिए अपना ताकत के बराबर करें कम कर चलेंगे ये ना सोचे कि हम कितना शानदार थोल मजा करके हम शादी कर सकते हमें ये सोचना है कम खर्चा में हम एक मान्य रीति में एक शादी कैसे कर करें मैंने किया है पांच बच्चों का मैंने किया है मेरा बहन का शादी शादी करा मैंने मैंने शादी पढ़ा है कम खर्चा में किया है और बाकी पैसा से हमने कुछ गरीब लोगों का मदद किया उनका शादी के लिए काफी लोगों केरला का में जनाजा के लिए कितना रुपया है मैंने बोला हुआ है मेरा जनाजा नहीं करना जब मैं लिख करके दे दिया भैया साइन करा करके दे दिया रजिस्ट्री करके दिया बच्चों को सबको जब मैं मर जाएगा कोई क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में मेरे लाश को दे दो ताकि एक भी रुपया खर्चा नहीं वो आकर के ले जाएंगे मैं नहीं बोलता हूं जो मैंने किया आप करें मैं नहीं 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 मैं एक भिन्न रीति का व्यक्ति है लेकिन मैं आपको बोलता हूँ फालतू तो खर्चा आप करते हो देखता है, लेकिन ईश्वर्सी ने देखा उस महिला ने दूसरा पद के तो उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें दो डालते देखा दो सिक्का चो बिल्कुल तांबा का सिक्का लोहा का वो बिल्कुल छोटा है मैंने उसको बारे में पढ़ा है बेकार है उसका कोई कीमत नहीं है से दिया है जैसा मेरा पाले एक एक की बोलता था एक पैसा वैसे ही उन समय का एक पैसा कोई कीमत का नहीं कोई सामान नहीं मिलेगा लेकिन इस मशी ने उसको देखा और क्या बात बाद में रह गया वो भी देखा शायद उसका घर में वो घर पहुंचने के वक्त उसका मम्मी उसका बच्चे रोते होंगे वो भी रोए होंगे बैठो आज कुछ नहीं है मेरे पास दो दो एक के दो सिक्का मिले थे मैंने चंदा डाल दिया क्या यीशु मसीह ने उसको कुछ पैसा दिया है नहीं नहीं यीशु मसीह ने क्या उसको खाना दिया है नहीं क्या उसको कुछ मिला है उस दिन नहीं उसके बारे में कुछ नहीं उसका सामने चलो उनसे बोला है हरे लुया विधवा को क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम है उसको दुनिया में प्रतिफल मिला है मेरा मालूम है लेकिन स्वर्ग में लेकिन मेरा विचार है स्वर्ग में भी उसको प्रतिफल मिला होगा जरूर होगा हमारे कटरा में था एक सुलेमान था उसका कोई ना कोई लाइन में होगा शायद नहीं तो कटरा से कोई ना कोई है सुलेमान शराब बनाने वाला था शराब बना करके बेचने वाला था और उसने उथार पाया मैंने सिखाता था विश्वामश देने के लिए पाला फल देने के लिए उसने क्या लगाए थे लोकी।, लोकी लगाया लोकी आया बड़ा लोकी। मैं हमने इतना लोकी, बड़ा लोकी कभी नहीं देखा बहुत बड़ा एक लोकी वो ला करके हमारे घर में ला के दिया आपने सिखाया था पाला फल आपको देना है चुनाल हमने दो तीन दिन खाया भैया हमारे घर में चावल नहीं था हमने वही खाया हमारे घर में एक जोई आया वो उसको भी दिया हमने महिमा हाँ, उसको भी दिया हमने प्रार्थना किया खुदा सुलेमान का इस 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 लौकी का पौधा में बहुत लोक लगे तीन चार दिन के बाद उसका घर में मीटिंग ये ले गया एक हफ्ते के बाद मीटिंग में जाने को मैंने बोला सुलेमान आपका लौकी का पौधा है बोला फास्टर साहब एक कीड़ा नीचे से काट दिया खा लिया खत्म हो गया <स्था> मेरे को खुदा खुदा से गुस्सा भी आया सच बोल रहा हूं नाराज हुआ मैंने बोला खुदा ठीक नहीं था गरीब आदमी है अपना खर नहीं है मिट्टी का घर किराए पर लिया <स्था> खुदा सही नहीं मैं दुखी था लेकिन वो दुखी नहीं था मेरे को मालूम नहीं अंदर दुखी था लेकिन मालूम है तीन साल के अंदर या दो साल के अंदर उसने अपना मकान बनाया अरे पहले जब चालीस साल तक उसने नहीं बना सका लेकिन हमने दो साल के अंदर खुदा ने उसका मदद किया है नौकरी नहीं है उसने शराब का दुकान छोड़ दिया उसने अभी उसका बैठा दो मंजिल का मकान पर रहता है फर्स्ट रहे मैं आपको बोलता हूं आप जो सैक्रिफिशियली देता है हिंदी में अब सैक्रिफिशियल गिविंग अगर देता है तो खुदा देखता है और खुदा उन प्रतिफल दुनिया में भी देगा स्वर्ग में भी देगा देने को वक्त थोड़ा दर्द लगे आपको दर्द लगे खुदा ने मेरे को सिखाया आपको मालूम है हम खाना खाने के वक्त कितना सब्जी होगा दो मुश्किल से आज एक शाम को कितना सब्जी था दो था दो था एक लिली ने बनाया एक और किसी ने दिया दोपहर को भी दो सब्जी अरे क्या हमारे पास पैसा नहीं है सुनिए खुदादी सुनस ने देखा है क्या दिया है क्या बिछ गया था पांच, पांच बात जो पीछे हटा हुआ समय नहीं है तीन मिनट के अंदर बंद करना है पीछे अड़ा हुआ छे को देखा है का युवा नहीं समाज ने बोला मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं बाकी सब लोगों ने बोला हम भी आ रहा है लीडर का बोली पर ताकत है पिताजी का बोली पर ताकत है मम्मी का बोली पर ताकत है पास का बोली पर ताकत है इसलिए खबरदार आप लोगों को आगे लेकर जा रहे हैं या पीछे मोड़ कर लेकर जा रहे हैं कलेशियर टूटने के वक्त मुझे दर्द आता है क्यों जो पास्ट ने कलेशियर तोड़ा है वो सही रहेगा लेकिन जो विश्वासी लोग है वो कमजोर हो जाता है विश्वास में कमजोर हो जाता है इसलिए टूटने का खिलाफ हूं मैं हमें नुकसान हो जाए हमारा चर्च बिल्डिंग चले जाए हमारा जमीन चले जाए हम बोलता है कलेशियर टूटना नहीं चाहिए कलेशियर टूट गया तो विश्वासी लोग कमजोर हो जाएगा क्योंकि वो दो ग्रुप में मड़ करके हम भुड़भुड़ करेगा झगड़ा करेगा मारपीट करेगा इसलिए इधर पीछे हट गया है और इन्होंने मछली पकड़ने के लिए है अलग अलग गलती की है पत्रस ने अलग अलग गलती किया है और सवेरे वापस आ रहा था कुछ नहीं मिला है कख नहीं मिला है पंजाबी में बोलता है कुछ नहीं मिला है खाली हाथ वापस आ रहा है क्यों ईश् को छोड़ करके आप जाके कठी मेहनत करें आपका किस्ती खाली होगा इस मे को जानने के बाद पीछे ना जाए बाकी लोग ठीक है उनका अलग बात है लेकिन जो इस को पाने के बाद फास्ट का काम करने के का बाद अगर आप पीछे हट गया है आपको नुकसान होगा मैं आपको श्राप नहीं दे रहा हूं और इन लोग इस मैं को नहीं पहचाना इस मुझसे किनारे में खड़ा था सवेरा था उधर अच्छा रोशनी था अंधेरा नहीं था अरे साढ़े तीन साल एक साथ रहे तो उनको जान जानना चाहिए आपने किसी के साथ एक साल रहो दूर से देखने को वक्त मालूम हो जाएगा वो मेरा पत्नी है वो मेरे यार है वो मेरा बेटा है वो मेरा बेटी है आपका चार चार से। लेकिन इस समुद्र को नहीं पहुंचा रहा है। क्यों? वो के अंदर था क्या है? दुनिया को दर्शाता है आप समुद्र में है आप शराबियों के साथ रिश्ता रखते हैं आप गलत काम करने वालों के साथ रिश्ता रखता है हम्म समुद्र में था और बदबू देने वाला किश्ती में था बदबू देने वाला जाल के साथ था इसलिए इस मुंशी को नहीं पहचाना इस मुंशी ने बोला बच्चों तुम्हारे पास कुछ है जो शब्द तो उसने इस्तेमाल किया आपको मालूम है मालूम नहीं है तो लिख लो नापियोस। नापियो का नापियोस का मतलब है जो बच्चों को नैपकिन बांधने का जरूरत है छोटे बच्चे जो टट्टी पेशाब करते हैं गंदा करते हैं बदबू लाता है वो है क्या आप इस मुंशी का बदलनामी करते हैं आज मैंने एक महिला के लिए प्रार्थना कर रहे थे उनका बड़ा लड़का इतना बड़ा बड़ा बाल रखा कौशल दूसरा लड़का झगड़ा करते हैं, पड़ोसी लोगों का सामने उसका नाक कट गया है है? आपका कारण इस समस्या का बेस्टी ना हो जाए सुन पास्टर सुन लो विश्वासी आपका कारण इस समस्या का बेस्ट ना हो जाए मैं कभी कभी बैठ करके प्रोग्राम देखता हूँ पांच मिनट का प्रोग्राम है उस उस का का गलती इस पास्टर का गलती इस ने ऐसा किया इस पास्टर ने किया। ऐसा ऐसा किया नहीं होना चाहिए हमारे तारीफ होना चाहिए इस मसीह का इस मसी ने उनसे पूछा कुछ है बोला नहीं है इस मसी ने बोला दैन तरफ जाल डालो पत्रस योनान को मसीह का वास समझ में आया वो यीशु है बोला वो, वो प्रभु है पत्र सुथी वक्त अपना कपड़ा उधारा समय नहीं है बताने के लिए अपने चारों तरफ बांध लिया और समुद्र के अंदर खोद लिया क्यों क्योंकि वो नंगा था नहीं नंगा होने का कारण नहीं इसलिए कि वो इस मसीह के पास जल्दी पहुंचना चाहता था अरे नंगापन को छिपाने के लिए उसने कपड़ा पहन लिया था वो चाहता था बाकी लोग फाउंडेशन पाले बाकी लोग किश्ती लेकर के आए बाकी लोग मछली लेकर के आए मैं पहले प्रभु के पास पहुंचना चाहता था ईशुवंशी ने उसको देखा यशुवंशी ने पत्रस को क्यों इस्तेमाल किया का, का दूसरा अध्याय में पेंडिकोस का दिन में क्यों अरे थॉमस को इस्तेमाल करना चाहिए था युगन्ना को इस्तेमाल करना चाहिए था याकूब को इस्तेमाल करना चाहिए था और नथानियल को इस्तेमाल करना चाहिए था हमको मालूम है नथानियल कौन है पवित्र आदमी था जिंदगी उसका पवित्र था ईश्मी को पाने से पहले भी उसका जिंदगी क्यों उनको छोड़ करके जो गलती किया गलती किया तलवार लिया ईश्वसी को श्राप दिया है अच्छा व्यक्ति को क्यों इस्तेमाल किया क्योंकि वो पहले पहुंचने के लिए ईश्वर के पास आया मैं और आप ऐसा व्यक्ति बने जो पहले ईश्व मुंशी के पास पहुंचे बाकी लोग पहुंचने से पहले मेरा पत्नी पहुंचने से पहले मेरा पति पहुंचने से पहले मेरे माँ बाप पहुंचने से पहले मेरे शास्त्र भी पहुंचने से पहले मैं ईश्वर के पास पहुंचने के लिए चाहता हूँ कौन चाहते है यीशु मसीह का पास जल्दी पहुंच जाए बाकी लोग पहुंच नहीं पाए वे व्यक्ति अपना सिर में हाथ लगाए, सिर में हाथ लगाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कई वे इधर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु मसीह का नाम में मैं प्रार्थना करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन बच्चों को तुवाशिश देहे तेरा ओबस्तु दी उनका साथ रहे यीशु का नाम में मैं प्रार्थना करता हूं खुदा हम तो यीशु का नाम में हम प्रार्थना करते हैं खुदाउद का लिली वाला हाथ रखा हुआ था आपको दिखाई नहीं देता इसलिए मैंने पकड़ कर ये हाथ रखा है ईश्व का नाम हम प्रार्थना करते हैं खुदाउद तेरे बच्चों को आश्रय दे इन लोग जल्दी तेरे पास पहुंचने पहुंचने का मदद करें अपना पंथी पहुंचने से पाले अपना पति पहुंचने से पाले अपना माँ बाप पहुंचने से पाले अपना भी पहुंचने से पाले ये पहुंचने वाला बने पीछे अड़ गया तो वहां ना रहे ईश्व के पास आए उनका मदद करें ईश्वर का नाम है आमीन ईश्वर से आपको आशीष दे